अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटीरियर पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि आपका जो एक सबसेट है मेट्रिक स्पेस का, यानी आपने क्या किया, मेट्रिक स्पेस का एक सबसेट लिया, ठीक है। अब x बिलोंगिंग टू A is called interior point of A is called interior point of A if there exists an open ball which is contained in A ठीक है। फर्ज करें कि ये आपके पास एक मेट्रिक स्पेस थी, इस मेट्रिक स्पेस में आपने एक सबसेट लिया A, ठीक है। ये सबसेट A है मेट्रिक स्पेस का। ये ऊपर क्या थी, मेट्रिक स्पेस थी XD। आपने क्या किया, इसका एक सबसेट लिया A। अब आपने जो एलिमेंट लेना है वो A के अंदर में से लेना है X। अब इस X को इंटीरियर पॉइंट कह सकते हैं अगर एक बॉल एग्जिस्ट करती हो जो कि टोटली A के अंदर कंटेंड हो, ठीक है। देखेंगे जैसे ये बॉल एग्जिस्ट कर गई, ओपन बॉल, ठीक है, जो कि टोटली A के अंदर कंटेंड है, तो X क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ A कहलाएगा, ठीक है। इसको ज़रा अगर एग्जाम्पल से समझा चाहे, नोटेशन इसकी कैसे होगी, मतलब मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देर एग्जिस्ट अ बॉल BXR, ठीक है, विच इज़ कंटेंड इन A का मतलब है जो कि सबसेट हो A का, तब X क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ A कहलाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर हमारे पास ये ओपन इंटरवल है 1, 5। इसमें हमने चेक करना है कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट्स हैं इसके और कौन कौन इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है। अब आपने एलिमेंट इसी सेट का ही लेना है। क्या 1 इस सेट का एलिमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में ये बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होते। 5 भी इसका पॉइंट नहीं है। तो दरमियान में से अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे 2 लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस ओपन इंटरवल को ड्रा करूँ तो ये कुछ ऐसे होगा। फ़र्ज़ कर लें कि जी इधर 0 था, इधर 1 है और इधर फ़र्ज़ कर लें कि 5 है। तो मैं अब 2 को चेक कर रहा हूँ कि 2 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो क्या कोई ऐसी बॉल एग्जिस्ट करती है, मतलब 2 का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जो टोटली इसी सेट के अंदर हो? जी है। कौन सा? ये देखें, ये मैंने इसका नेबरहुड ड्रा किया जो कि टोटली इस सेट के अंदर, ये था सेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ये वाली बॉल इसके अंदर टोटली कंटेंड है। तो 2 क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है। इसी तरह 3 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है। क्या 4.9999 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है? यानी मैं इधर बहुत करीब पहुँच गया हूँ 5 के, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये भी इसका इंटीरियर पॉइंट है? जी, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 के बहुत ज़्यादा करीब ले जाएंगे तो मैं नेबरहुड छोटी ड्रा कर लूँगा। इसको मैं अगर आपको जूम करके ये चीज़ दिखाऊं तो फ़र्ज़ करें इधर था 5, ठीक है, और 4.9999 फ़र्ज़ कर लें इधर पड़ा हुआ है। तो मैं इस नेबरहुड को छोटा कर लूँगा। ये देखें, ये छोटी नेबरहुड, हमें तो सिर्फ एक ही नेबरहुड चाहिए ना जो कि टोटली इस सेट के अंदर होनी चाहिए। तो मैं नेबरहुड और छोटी कर लूँगा। नेबरहुड के लिए क्या शर्त थी कि R आपका ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए। R चाहे जितना छोटा हो जाए बस पॉजिटिव होना चाहिए। आप 0.00001 ले लें, ठीक है, तो वो आपका जो नेबरहुड होगा वो टोटली उसके अंदर कंटेंड हो जाएगा। तो अगर मैं इस सेट के इंटीरियर की बात करूँ, A इंटीरियर से मुराद ये होता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से थे? इस सेट का इंटीरियर पॉइंट्स हैं ओपन इंटरवल 1, 5, यानी 1 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 5 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके दरमियान जितने भी नंबर पड़े हुए हैं सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जो कि टोटली टोटली कंटेंड है A के अंदर, ठीक है। तो A इंटीरियर किसके इक्वल हो गया, 1, 5 के, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं, क्लोज इंटरवल की मैंने ये कुल क्लोज इंटरवल 1,5 ले लिया है। तो अब देखें, अब हम 1 को भी देख सकते हैं कि ये मतलब चेक कर सकते हैं कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, 5 को भी चेक कर सकते हैं। तो जो इनको चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये इंटीरियर पॉइंट्स हो भी सकते हैं या नहीं, चेक कर तो सकते हैं क्योंकि ये इसके एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर 20 के इक्वल है तो ये देखें ये 1 था इधर और ये इस जगह पे 5 है। अब 1 को चेक करते हैं क्या कोई नेबरहुड, ऐसी छोटी से छोटी नेबरहुड ड्रा करेंगे। देखें ये मैंने ड्रा कर ली, इस साइड पे भी गई, इस साइड पे भी गई। अब ये जो नेबरहुड है इसका ये पार्ट तो इस सेट के अंदर मौजूद है बी के अंदर, लेकिन ये वाला ये जो पार्ट है ये इजाफी साइड पे आ गया। इस तरह ये जो बाल हमने बनाई है, ठीक है, 1 की किसी भी रेडियस की, ये टोटली कंटेंट नहीं कर रही बी के अंदर। क्यों नहीं कंटेंट कर रही बी के अंदर? क्योंकि ये वाला हिस्सा उसके अंदर नहीं है बी के अंदर, ये वाला हिस्सा बाहर चला जाता है। तो नेबरहुड टोटली कंटेंड होनी चाहिए उस सेट के अंदर, तभी वो इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इससे पता चला कि 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 5 के लिए भी आप जितनी छोटी से छोटी नेबरहुड ड्रा करेंगे वो ये वाली साइड तो बाहर निकल जाएगी। हमने ये कहा था कि नेबरहुड जो होता है वो टोटली उसी सेट के अंदर कंटेंट करना चाहिए, लेकिन ये नेबरहुड कंटेंट नहीं करेगा। तो इस तरह 5 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। हाँ, दरमियान वाले जितने होंगे अगेन वो इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इसका भी इंटीरियर क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल बन जाएगा 1,5। क्या इसका 0 इंटीरियर पॉइंट हो सकता है? क्या हम इसको चेक भी कर सकते हैं? नहीं, इसको चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उस सेट का हिस्सा नहीं है। वही एलिमेंट्स को चेक करेंगे इंटीरियर पॉइंट्स के लिए जो सेट का हिस्सा होंगे। तो 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 5 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं इसके वो 1 और 5 के बीच वाले सारे एलिमेंट्स हैं। तो बी इंटीरियर क्या हो जाएगा, 1,5। ओके, लेट्स टेक अनदर सेट। कोई डिस्क्रीट सेट लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये सेट है 1 2 3, ठीक है, ये सेट है मेरे पास। तो इनको चेक करते हैं कि इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो क्या 1 को चेक कर सकते हैं? जी, चेक कर सकते हैं इंटीरियर पॉइंट के लिए। क्या कोई नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं जो टोटली इसके अंदर कंटेंट हो? देखें जब मैंने ये नेबरहुड ड्रा की तो ये 1 पॉइंट, इसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं इधर जो पड़े हुए 1 पॉइंट समथिंग वाले, जैसे 1.1 हो सकता है, 1 पॉइंट। ओके जी, जब हमने ये इसकी नेबरहुड ड्रा की तो इसमें पॉइंट्स वाले नंबर आ गए। क्या वो पॉइंट्स वाले नंबर इस सेट का हिस्सा हैं? नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 की नेबरहुड ड्रा करता हूँ और वो आती है ये वाली कि 0.8 से लेकर 1.2 तक, ठीक है। क्या ये नेबरहुड सबसेट है सी का? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट्स वाले नंबर आ रहे हैं और वो पॉइंट्स वाले नंबर सी में शामिल नहीं है। तो 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 के लिए भी आप अगर नेबरहुड ड्रा करेंगे तो देखें ये पॉइंट्स वाले नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 2.1 आ जाएगा जो कि इस सेट में कंटेन नहीं करता। तो आपको कोई ऐसी नेबरहुड नहीं मिलेगी 2 की जो इस सेट के अंदर कंटेन करती है। सिमिलरली फॉर 3, तो इसके कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। तो सी इंटीरियर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, यानी इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो सी इंटीरियर इज जस्ट एम्प्टी। ओके, अब बात करते हैं लिमिट पॉइंट्स की। लिमिट पॉइंट्स की बात करते हैं। लिमिट पॉइंट्स अब x बिलोंगिंग टू xd is a limit point of a if for every ball bxr intersection a minus x does not equal to phi, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को समझना है हमने। अब देखें ये फर्ज कर लें कि जी ये मेट्रिक स्पेस थी हमारे पास और ये इसका ए सबसेट पड़ा हुआ है। अब जब इंटीरियर पॉइंट चेक करते थे तो ए के ही एलिमेंट्स को चेक करते थे, लेकिन लिमिट पॉइंट्स बाहर वाले एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम बाहर से भी कोई एलिमेंट चेक कर सकते हैं, मतलब मेट्रिक स्पेस का इसको चेक कर सकते हैं हम। तो ये जो एक्स है ये ए का लिमिट पॉइंट होगा अगर हर बाल के लिए, यानी इसकी कोई भी बाल हम ड्रा करें, जैसे मैंने ये बाल ड्रा की, ठीक है, हर बाल के लिए क्या हो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हो कि हम बाल ड्रा करें और ए में से एक्स माइनस कर लें, यानी अगर एक्स ए में है, फॉर एग्जांपल अगर एक्स इधर होता तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन है ही बाहर तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सेट है ये ए ही आएगा, क्यों? क्योंकि ए में से एक्स अगर उसमें होता तो हम निकालते ना, ये बाहर ही है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। यानी इस बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ हो। देखें इस साइड पे देखें कोई न कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। थोड़ा सा हम इसको रिकैप करते हैं। यानी एक्स जो है अगर मैट्रिक्स स्पेस का एलिमेंट है वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा अगर हर बाल के लिए ए में से एक्स को निकाल दें, ए में से उस सेट में से अगर एक्स को निकाल दें और फिर उस बाल के साथ इंटरसेक्शन लें तो नॉन एम्प्टी आए। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। चलें जी, मेरे पास अगर सेट में लूँ, सेट मेरे पास है, ये है 1 2, ठीक है, बहुत सिंपल। मैंने ओपन इंटरवल ले लिया 1 2, ठीक है। ये देखें, ये फर्ज कर लें इधर 1 पड़ा है, इधर 2 पड़ा है, ठीक है। अब मैं लिमिट पॉइंट्स के लिए चेक किसको करूंगा? मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स को। यानी मैं कोई भी रेल नंबर उठा सकता हूँ। मैं पहले तो जीरो को, बाहर वाले एलिमेंट्स को चेक कर लेता हूँ। जीरो को, क्या जीरो इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? देखें, पहले जीरो की नेबरहुड ड्रा करें, ये आ गई नेबरहुड, ठीक है। अब उस सेट में से जीरो को निकालें, उस सेट में जीरो था ही नहीं, निकाल दिया। अब जो सेट बचा है जीरो निकालने के बाद, इस केस में तो वो सारा ही बच गया ना। अब इंटरसेक्शन लें इस नेबरहुड के साथ, क्या आ रहा है? मतलब नेबरहुड तो ये है और वो सेट जो बचा है जीरो निकालने के बाद वो ये सारा है। क्या कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है? नहीं, तो इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है। तो जीरो कैन नॉट बी द लिमिट पॉइंट। अब 1, क्या 1 लिमिट पॉइंट हो सकता है? चेक करते हैं, 1 की नेबरहुड ड्रा करें, ये आ गई 1 की नेबरहुड। अब एक सेट ये बना है आपके पास 1 की नेबरहुड, ठीक है। दूसरा सेट कैसे बनेगा? उस सेट में से 1 2 में से आपने 1 को निकाल देना है, ठीक है, उस सेट में से। ओके जी, हमने 1 की नेबरहुड ड्रा की, 1 की नेबरहुड ये आई, फिर उस सेट में से हमने 1 निकाल दिया। 1 ऑलरेडी उसका पार्ट नहीं था, तो जो सेट बना था वो ये ओपन इंटरवल ही था, ठीक है, ओपन इंटरवल ही था। अब देखें ये जो सेट बना है और इस नेबरहुड में कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है ना, ये वाला, तो ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 1 इसका लिमिट पॉइंट है। इसी तरह 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो जब इसका डिराइव सेट बनाएंगे, यानी ए डिराइव। अब डिराइव सेट क्या होता है? लिमिट पॉइंट्स लिखने होते हैं उसके अंदर, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो उसमें 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है और दरमियान वाले सारे नंबर इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसका डिराइव सेट क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है। ओके, अगर मैं इस सेट की बात करूं, अगर मैं n सेट लेता हूं और उसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अब इसके लिमिट पॉइंट्स मैंने निकालने कि इसके लिमिट पॉइंट्स क्या आएंगे, ठीक है। मैं इनको ड्रा कर लेता हूँ। ये एक डिस्क्रीट सेट है, देखें। फॉर एग्जांपल 4 इधर है, 5 इधर है और 6 इधर है। पहले तो बाहर वाले पॉइंट्स को चेक करेंगे, वो लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं या नहीं। मैं इधर 3 को चेक करता हूँ। 3 की मैंने नेबरहुड ड्रा की, हो गया। अब उस सेट में से मैंने 3 को निकाला, 3 पहले से नहीं था, तो उस सेट में ये 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब 3 की नेबरहुड ये है, 3 एलिमेंट्स जो सेट वाले हैं वो ये पड़े हुए हैं। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो 3 लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। 4 इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अगर इसकी नेबरहुड ड्रा करूँ तो ये एक नेबरहुड ये आ गई, ठीक है, ये इसकी नेबरहुड आ गई है। एक मैंने ये नेबरहुड ड्रा कर लिया और उस सेट में से मैंने इस एक्स को यानी 4 को निकाल दिया है। अब उस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं, एक 5 बचा है और एक 6 बचा है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। पहले क्या किया हमने? 4 की नेबरहुड ड्रा कर ली, फिर सेट में से 4 को निकाल दिया। जब निकाल दिया तो पीछे एलिमेंट सिर्फ 2 बच गए हैं, 5 और 6। अब इस नेबरहुड वाले सेट का और इसका कुछ कॉमन हिस्सा आ रहा है? नहीं, इस नेबरहुड का और यानी इन 2 एलिमेंट्स के दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 4 इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, 5 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, 6 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसका डिराइव सेट क्या आएगा? एंड डिराइव क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।